الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجات قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك तिरमिजी एक सही हदीस है जिसको इमाम तिरिमिजी ने अपनी सोनन में जिक्र किया है और मुस्ंद अहमद में भी ये हदीस है अकबा इबन आमिर सहाबी हैं उन्होंने अल्लाह के नबी वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल मन निजात निजात क्या है इससे मालूम होता है कि सहाबा बहुत हरीस थे बहुत ज़्यादा इस मामले में कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी किन चीज़ों में है उसको जानने के बहुत हरीस थे हमेशा फिक्र लगी रहती थी उनकी कि कौन से ऐसे अमाल किए जाएं जिसकी वजह से दुनिया भी अच्छी बने और आखिरत भी कामयाब हो जाए तो इसीलिए सहाबी के सवाल से मालूम होता है कि उनकी असल सोच और फिक्र कितनी ऊंची थी सवाल से आदमी का जो पूरी फिक्र मालूम हो जाती है जैसा सवाल होता है तो सहाबी ने सवाल किया उकबा इब्ने आमिर रजी अल्लाह ने सवाल किया कि कहते हैं कि मैंने कहा है अल्लाह के रसूल मन निजात निजात क्या है यानी क्या मैं करूं वो असबाब क्या है कि मुझे दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी कामयाबी मिले दुनिया और आखिरत की निजात किन चीजों में है तो आपने तीन कलिमा तीन जुमले आपने बताए इसको कलीम कहा जाता है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत दी थी कि थोड़े अल्फाज में बहुत बड़ी बात आप बोलते थे मुख्तसर अल्फाज में बड़ी बात कहते थे आप तो आपने तीन बात बताई निजात दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तीन चीजें आपने बताई नंबर एक आपने कहा अम सिख आलई का लिसानक अपनी जबान को रोक के रख सबसे पहला आपने पहली वसीयत और पहला सबब आपने बताया निजात चाहता पहला सबब है जबान को रोक के रख यानी हर शर से अपनी जबान को रोक के रख जब भी बोलना हो तो खैर बोल अल्लाह के नबी वम की दूसरी हदीस में आपने क्या फरमाया कि जो आदमी अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है जब भी बोले तो खैर बोले वरना चुप रहे तो आपने सहाबी को नसीहत किया कि निजात ने पहली चीज है जबान जबान को रोक ले यानी इसकी हिफाजत कर मखलूक के मामले में हो किसी भी मामले में जबान को रोक के रख यानी एक जबान इंसान को हिला कर सकती है निजात से निकाल कर हिलात में डाल सकती है दुनिया की भी हिलात कितने सारे फितने और फसाद जबान की वजह से एक जुमला बोला सारे फसाद की जड़ कभी कभी एक बात हो जाती है इसने एक बात जाके वहां बोल दिया पूरा फितना हो गया तो निजात दुनिया की भी दुनिया में भी कामयाबी है जबान को रोक ले बहुत सारे फितने से बच जाएगा बहुत सारे लोगों को फितने से बचा सकता है तू जबान को रोक के आखिरत में भी बहुत सारे नुकसान से तू बच जाएगा क्योंकि यहां बहुत सारे ऐसे गुनाह जो तेरी जबान की वजह से हो किसी की कीबत कर दिया झूठ बोल दिया बहुत सारे जबान से ऐसे अल्फाज निकाले जो अल्लाह की नाराजगी वाले थे कि एक जुमला उसको दीन से बाहर कर सकता है कुफर वाला जुमला निकाल दिया तो मतलब आखिरत के एतबार से भी बर्बादी और दुनिया के एतबार से भी हलाकत तो आपने कहा जबान को रोक कर जबान बहुत इंसान के लिए फायदेमंद भी है लेकिन हलाकत का भी जरिया है हलाकत का भी जरिया इंसान को बना सकती है अगर उसने कंट्रोल नहीं किया हिफाजत नहीं किया किसी की बेइज्जती कर दिया किसी को गाली दे दिया क्यामत के दिन वह आएगा और कहेगा अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी इसने मुझे इंसल्ट किया था पूरे भरे मजमे के सामने ये जबान है आखिरत के एतबार से भी हिला कर सकती है दुनिया के अतबार से फितना फसाद की जड़ बन सकती है तो आपने कहा अमसिक आलई का, का लिसानक अपनी जबान को रोक रख कामयाब हो जाएगा निजात पाना चाहता जबान को रोक कर रख दूसरी बात आपने बताई आपने कहा वल का बेतुक तेरा घर तेरे लिए काफी हो जाए घर को लाजिम पकड़ ले घर लाजिम पकड़ घर के बाहर जा काम काज के लिए बाहर जाना है ठीक है जाओ काम खत्म हो गया जरूरत पूरी हो गई घर ज्यादा वक्त घर पे गुजार अगर काम बाहर नहीं है ज्यादा वक्त घर पे गुजार आज बहुत सारे लोग हैं आप देखेंगे उनके ज्यादा टाइम बाहर गुजरते हैं घर सिर्फ वो खाने के लिए आता है सोने के लिए आता है बस और ना फिर बाहर बैठ करके गप यहां वहां मतलब कोई काम नहीं है बस सिर्फ यहां की बातें दुनिया पॉलिटिकल ये वो यही सब बातें उसको आपने कहा वल बैतुक तेरा घर तेरे लिए काफी हो जाए तो बाहर घर के जा काम काज जो भी तेरी जरूरत पूरी हो जाए ज्यादातर तेरे औकात जो वो घर पे गुजरे अगर बाहर काम खत्म हो गया घर आप खुद अल्लाह के वसल्लम के बारे में देखिए अल्लाह के वसल्लम अगर बाहर कोई काम नहीं है कोई मिलना है किसी से तो आप ज़्यादा घर पे रहते थे तो आयशा रज्ला से पूछा गया घर में आप क्या करते थे कहती हैं कि अपने घर वालों के काम काज में लगे रहते थे उनका हाथ बटाते थे और नमाज का टाइम हो जाता था तो निकल जाते थे नमाज पढ़ने के लिए तो एक चीज़ ये कि अच्छा घर में ज़्यादा रहना ना अगर काम बाहर नहीं है तो आदमी काम पर गया दुकान पर गया तो अपना काम कर लिया घर पर आया घर इंसान के लिए बहुत सारे फितनों से बचाव का जरिया है इसको याद रखें सलामतुर्रजुलिफिल फितना यानी फितनों में सलामती एक इंसान की किस्में है अपने घर को लाजिम पकड़ ले बहुत सारे फितनों से बचा रहेगा बहुत सारे लोगों की गीबत बहुत सारे लोगों के लड़ाई झगड़े और बहुत सारे लोगों के झंझट से बचा रहेगा अगर घर में रहेगा तो जो आदमी अपने घर में ज्यादा रहता है ना वो बहुत सारी मुसीबतों से बचा रहता है सलामती की जगह है घर खैर की इसलिए घर लाजिम पकड़ घर में इबादत कर कुरान की तिलावत कर जो भी है जब तक आदमी अपने घर में रहेगा अपना कुछ ना कुछ करता रहेगा घर के घर वालों के काम करेगा या तो फिर क्या ना हमें कुछ तिलावत करेगा जिक्र करेगा अल्लाह की इबादत करेगा तो अपने घर को लाजिम पकड़ इससे मालूम होता है कि हमें ज्यादा औकात अपने घर पर गुजारना चाहिए अगर बाहर के काम खत्म हो गए तो हाँ तो ये और ऐसे ही तीसरी चीज आपने फरमाया वब की आला खती निजात चाहता है अपनी खताओं पर रो अपनी गलतियों पर रो जो तुझसे पास्ट में गुनाह हो गए हैं गलतियां हो गई हैं उन पे शर्मिंदा हो नदामत रोने देखिए एक हकीकी रोना होता है कब होता है जब आदमी को शर्मिंदगी हो उन गुनाहों को याद करे और अल्लाह की आजमत को देखे एक तरफ वो गुनाह एक तरफ अल्लाह की आजमत कि मैंने अल्लाह का कानून का तोड़ा है एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है बादशाह के सामने खड़ा होना पूरी कायनात होगी इंसानियत होगी उसके सामने खड़ा होना अल्लाह पूछेगा तो अपने गुनाहों पर रो ये रोना वो तेरे गुनाहों को साफ कर देंगे निजात पाना चाहता है दुनिया में गुनाह हो गए ना तो गुनाह ठीक है गलती हो गई है आज शर्मिंदगी हुई शर्मिंदा हो अल्लाह के सामने और रो आंसू गिरा उन आंसुओं के साथ वो गुनाह झड़ जाएंगे साफ हो जाएंगे तो अल्लाह के यहाँ निजात पा जाएगा दिल हल्का हो जाएगा बोझ हल्का हो जब इंसान रोता है ना अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने बयान करता है तो एक तरह से बोझ हल्का हो जाता है आदमी को सुकून मिलता है तसल्ली मिलती है गुनाहों पर रोना इसलिए रोना आना चाहिए कि हम अपने आप को देखें हम आखिरी बार कब रोए थे हम सोचें कि आखिरी बार अल्लाह के सामने हम कब रोए थे लोगों के सामने नहीं अल्लाह के सामने हम देखें कि आखिरी बार हम कब रोए थे हमको याद नहीं होता है तो रोना बहुत बड़ी नेकी है तो आपने तीन बातें बताई इस हदीस में जो तिरिमिजी की रिवायत है नंबर एक अपनी जबान को रोक ले यानी हर शर से जबान को रोक खैर बोल नंबर दो अपने घर को लाजिम पकड़ यानी बाहर से काम खत्म ज्यादातर अपने घर में औकात गुजार अपने बाल बच्चों में रहो और नंबर तीन अपने गुनाहों को याद करके उस पर रो अपनी खताओं पर रो हाँ अल्लाह के सामने रो ये क्या है तीन चीजें ये तेरी दुनिया और आखिरत में निजात का जरिया है तो आपने बहुत अहम वसीयत किया हमें भी इस वसीयत को नबी की इस तलीम को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए जबान को रोकना चाहिए घर में ज़्यादा औकात गुजारना चाहिए और अपने गुनाहों पर रोना चाहिए अल्लाह ताला हम सबको इसकी तोहफ़ी अदा फरमाए आमीन तकबल या रबी ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज शलफ़ पर किताब सन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन جزاك الله خيرا